खानपुर के लंढौरा में चमनलाल महाविद्यालय कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत में हर दिन कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है, इसमें धन और समय की भी हानि होती है। वहीं उत्तरकाशी के चरण में फंसे मजदूरों को लेकर कहा कि जीवन की एक नई आस जगी है और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिन में सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। इस चमनलाल विश्वविद्यालय में किया गया, जिससे मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और वास्तव में आज इस भारत जैसे विशाल देश को इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर रोज कोई ना कोई चुनाव होता है, जहाँ उससे धन की हानि होती है, समय की भी हानि होती है और हमारी जो फोर्सेज हैं जिनको देश की सीमा पर होना चाहिए उसको इस काम में लगाया जाता है, हमारे जो शिक्षक हैं जो शिक्षा के लिए काम करना है, पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको इस ड्यूटी पर लगाया जाता है और इसलिए आज आवश्यक है कि हम इस पर चिंतन करें, मनन करें और जो मोदी जी का सपना है जिसके लिए कमेटी बनाई थी, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी उसमें थे, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है और भारत जैसे विशाल देश को अगर ये लागू होती है एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी,